अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज का दिन हो गया है शुरू और काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पे व्लॉग आज अपलोड कर रही हूँ। सो बस सोचा कि कुछ दिन का गैप दे देना चाहिए, क्योंकि डेली व्लॉग्स में एक ही जैसा जो है ना वो व्लॉग बनने लगता है तो फिर मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है। सो बस अभी मैंने यहाँ पर रज़ाई वगैरह डाली हुई है, थोड़ी सी ड्राई क्लीन के लिए भिजवाई थी लेकिन उन्होंने सही से सफाई नहीं करी है। सो मैंने यहाँ पे दोबारा इसको खोल के धूप में डाला है। अभी मैं यहाँ पे ये वाले यूरो वाले शामी कबाब ट्राई कर रही हूँ और आज थोड़े से डिफरेंट किस्म के नूडल्स मैं यहाँ पे ट्राई करूँगी। मैं बनाती रहती हूँ लेकिन आप लोग के साथ ये रेसिपी मैं पहली दफ़ा शेयर कर रही हूँ। रेसिपी क्या शेयर कर रही हूँ लेकिन बताना चाह रही हूँ आपको कि जो यखनी आप लोग बनाते हैं ना शोरबा वाली, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें नूडल्स मज़े के बनते हैं। तो मैंने शोरबे में यखनी में रख दिए हैं स्टॉक में, चिकन स्टॉक है ये, ठीक है। और जल्दी जल्दी से यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बना लेते हैं। सो आज जो है ना बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम दोपहर का जो है ना यहाँ पे इस तरह से आज इंजॉय करें। नाश्ता वगैरह हो चुका है, नाश्ते की चीज़ें आज मैंने यहाँ पे नहीं डाली है। तो शामी कबाब जो है ना मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत ही कम ऑयल में ये आप लोग इसको फ्राई कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके जो शामी कबाब हैं ना वो टेस्टी भी हैं और टूटते बिल्कुल भी नहीं है, और मेहमानों के लिए भी आप लोग मंगवा सकते हैं। ये देखिए स्टॉक में जो है ना नूडल्स रेडी हो गए हैं। अभी मैं प्लेट्स जो है ना वो रेडी कर रही हूँ और हम लोग करेंगे थोड़ा सा इन्जॉय। और सुबह का नाश्ता जो है वो आज मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो बस सबकी यहाँ पे प्लेट्स में रेडी कर रही हूँ। और नाश्ते में डिफरेंट वैरायटीज़ अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लंच आज हम लोग थोड़ा सा हटके कर रहे हैं और शामी कबाब और फ्रेंच फ्राइज और नूडल्स थोड़ा सा जो है ना आज हो गया है हटके। और बिलीव करें इतने मज़े के नूडल्स बनते हैं ना कि सोच है आपकी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं चिकन स्टॉक में इस तरह से अगर आप लोग बनाते हैं यखनी में। ये घर की यखनी है, चिकन को आप बॉईल करते हैं फिर जब तड़का वगैरह लगाते हैं, वही मैं कह रही हूँ। अच्छा जी, तो लंच करने के बाद अब मैं ऊपर जा रही हूँ। ऊपर छत जो है वो काफ़ी गंदी हो चुकी है। और किस किस को अच्छा लगता है छत की सफाई करना, और मौसम भी आजकल थोड़ा सा जो है ना गर्मी ज़्यादा इतनी हो रही है कि छत पे जाने का जो है ना इंसान का दिल करता है। और धूप भी देखें काफ़ी हद तक यहाँ पे पड़ रही है, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, हवा चल रही है, बारिश वगैरह भी हो चुकी है काफ़ी दिनों से, जो जल्दी जल्दी से मैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं और साथ में मैं जन्नत को भी ले आई हूँ, थोड़ी सी मस्ती वगैरह कर लेगी और मैं यहाँ पर थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर हम कर लेते हैं छत की सफाई और उसके बाद छत साफ़ करने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ। आज मैं बना रही हूँ लौकी और दाल जो होती है ना चने की दाल और लौकी मिक्स, तो खूब सारा जो है ना हाथ में लहसुन ले लेना है और उसको मैं फ्राई करूंगी ऑयल में। तब तक जब वो फ्राई हो रहा है उसमें मैं प्याज ऐड करूंगी और साथ में टमाटर और हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे कट कर ली हैं और एक अदद मैंने यहाँ पे लौकी ले ली है, ठीक है। मसाले यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं और इस तरह से मसाला तैयार हो गया। अगर फुल रेसिपी आप लोग को चाहिए ना तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और इसको ना प्रेशर कुकर पर मैं बनाऊँगी और बहुत ही टेस्टी बनता है। 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है और इस तरह से बनाई हुई रेसिपी इतनी कोई टेस्टी होती है ना, सोच है आप। अच्छा जी, तो सीटी तो आप लोगों ने सुन ली है और सीटी लगाने के 20 मिनट्स बाद ये हो जाएगी रेडी और शक्ल कुछ इस तरह से आ जाएगी। आप ऊपर से धनिया भी डाल सकते हैं, हरा धनिया, लेकिन पुदीना आप लोग ऊपर से स्प्रिंकल कीजिएगा, बहुत ही यम्मी लगता है। और ये ताज़ा ताज़ा रेडी हो चुका है और अभी जो है ना इसको हम सादा यहाँ पर मैं लगाऊँगी खाना। और रात का खाना अभी थोड़ा सा मैं गर्म मसाला इसके ऊपर डाल रही हूँ और साथ में जन्नत की मैंने प्लेट रेडी कर ली है। नेक्स्ट डे जब ये बच जाएगा तो नेक्स्ट डे दोपहर को इसके साथ व्हाइट चावल बनाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस हम सब का डिनर रेडी और आप लोगों से अब मैं लूंगी इजाजत। और आई एम श्योर कि वीडियो आप लोगों ने आज का भी किया होगा एंजॉय और ये जन्नत का डिनर है वो ऐसे ही डिनर करती है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।